इज टीम मैनेजर एंड एंगेजमेंट पार्टनर साइन ऑफ, इसमें बेसिकली एंगेजमेंट पार्टनर सॉर्ट ऑफ ये डिक्लेयर करता है या ये मेंशन करता है कि द ऑडिट हैज बीन कैरिड आउट अप्रोप्रिएटली एंड द सफिशिएंट and the sufficient appropriate audit evidence have been obtained to support our opinion and the audit report has been issued is appropriate in the circumstances. Financial statements which we have reviewed are, sorry, disclosure and presentation of financial statement are appropriate. Appropriate consultation, this is very important, that whenever contention issues arise, you need to consult within the firm. Or you may take opinion of any expert if there is a need, because you are issuing an opinion. एक QCR हम लोगों ने जब किया था तो एक issue ये arise हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हमने valuation कराई है asset की, और तो हमने कहा कि वो valuation तो आपने asset से करा, expert से करा ली, लेकिन what audit procedures you have carried out to satisfy yourself that valuation या जो उसमें जो methodology इस्तेमाल की गई थी या जो concept से you what you have done. तो they have said that because they were independent. We said no, he was not independent, he was hired by the management, hired by the client for, and this is a management assertion and you have to verify this. तो ये बड़े important हो जाता है कि कहाँ पर आपको एक्सपर्ट की जरूरत है, तो आप यू नीड टू, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर गिविंग योर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑल सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड टू द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान में अगर कुछ चेंज आया है तो दैट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड अप्रोप्रिएटली. और क्वालिटी रिव्यू पार्टनर या जिसे हम कहते हैं कि EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज बीन सफिशियंटली इन्वॉल्व इन द कंप्लीशन प्रोसेस. इसके साथ जो है वो ये भी है कि वो इंडिपेंडेंस दे वॉज इंडिपेंडेंस और जो एथिक्स की जो रिक्वायरमेंट थी दे हैव बीन कंप्लाइड विथ एंड द प्रोसीजर्स वेयर दे वॉज अ डिपार्चर फ्रॉम IS इन रेयर सर्कमस्टांसिस द फर्म मे डिपार्ट फ्रॉम द IS रिक्वायरमेंट्स. तो वहाँ एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसिस का वर्ड यूज किया उसने. इफ दे आर दैट थिंग इज देयर देन यू नीड टू सी दैट दैट इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसिस. इसके बाद जो है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू या क्वालिटी रिव्यू पार्टनर का साइन ऑफ है. बेसिकली इसमें जो है ये वहाँ ये हर ऑडिट के लिए नहीं होता. जहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है विद नो रिस्क कोई नहीं है तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है. और पाकिस्तान में इसको मैंडेटरी किया गया है सिर्फ लिस्टेड के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ के लिए, कि जहाँ पर ये दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी तो वहाँ पर आपको जो है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की ज़रूरत पड़ेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो जो अपनी जो भी रिव्यू करेगा इसके बाद ही एंगेजमेंट पार्टनर उसको साइन करेगा. नहीं, ये कंप्लीशन चेकलिस्ट का एक मिनट रुके, अब आप पीछे जाएंगे. जी 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 वो जब वहां पर आएंगे तो कर लें, इस तरह कर लेते हैं जी. अब इस वक्त हम यहां पर हैं. उसमें बेसिकली है कि ऑडिटर, सॉरी, क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पार्टनर जो है वो बेसिकली इज नॉट पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम. तो वो उनको वो क्या एरियाज हैं वो रिव्यू करेगा, वो ऑडिट नहीं करेगा, रिव्यू करेगा. तो उसमें बेसिकली जो सिग्निफिकेंट एरियाज हैं जहाँ पर सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स हैं या जो है वो समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं या रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरनल कंसल्टेशन ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स है, ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा दीज हैव बीन रिव्यूड. अच्छा, रिव्यू ऑफ ऑडिट कमेटी रिपोर्ट, समटाइम्स ही नीड्स ऑडिट कमेटी रिपोर्ट. अब मुझे नहीं मालूम कि हर दफ़ा ये फर्म्स करती हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जो ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको रिव्यू करती है.
लिस्टेड कंपनी के केस में जो है वो ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी रिव्यू। अच्छा जी, हम इसके बाद थर्ड जो है वो कंसिडरेशन प्रोसीजर्स है। एक्चुअली दिस इज अ लिस्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिट टीम थ्रू आउट ईच फेज ऑफ द ऑडिट वर्क फ्लो। इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू सर्व एज अ मेमोरी जॉगर फॉर द ऑडिट टीम। बेसिकली एक बहुत सारी रिक्वायरमेंट है उसको एक जगह कंपाइल कर दिया कि ऑडिट ये दिस इज अबाउट ऑडिट टीम, ऑडिट टीम को क्या क्या करना है। अब ऑडिट टीम जो है वो जब ऑडिट जब फील्ड वर्क में होगी तो उसमें ये होगा कि ये रिव्यू ऑफ यानी इंगेजमेंट, जब इंगेजमेंट एक्सेप्ट किया गया था तो किस तरह किया गया था, इट वॉज अप्रोप्रिएट और नॉट, और अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स टू डिटरमिन द इंडिपेंडेंस हैव बीन फॉलोड, एंगेजमेंट लेटर हैज बीन ऑब्टेन्ड, मटेरियलिटी ऑफ फॉर प्लानिंग पर्पजेज। तो ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है। इसके बाद बेसिकली अगर स्पेशलिस्ट की नीड थी तो वो उसको हायर किया गया था या नहीं, और वहाँ पर उसने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए टू रिव्यू दिस। अच्छा, कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, क्या जो अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी थी, ये इसी स्लाइड में मैं थर्ड पॉइंट पे हूँ। तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स जो अप्लाई किए गए थे, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग और वर्किंग पेपर्स है कि वी हैव appropriately managed the working papers, points raised during the review of the working papers have been cleared and where appropriate the working papers have been revised, an engagement partner has reviewed audit working paper related to critical audit objectives. So this is about, pehle humne discuss kiya tha wo tha engagement manager and partner ka, ye third one hai is about audit team ka, audit engagement team. Aur iske baad basically agar specific isme example di hui specific topics ki, consideration has been given to other specific topics such as long-term investments, comparative financial statements, corresponding figures, opening balances, attendance as physical, inventory counting. Ye basically this part of jo jisme engagement team ko jo hai wo sari cheeze dekhni hai. Now we come to completion checklist. Ye completion checklist jisme basically sirf ye hai ke copy of the covering yani covering letter has been सेंट और उस पर जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं वो अप्रोप्रिएटली रेफरेंस्ड हो गए, रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज बीन ऑब्टेन, और मैनेजमेंट लेटर है तो आप भेज दिया गया था, और दूसरा है कि उसमें यह है कि फी बिल वो तो खैर इट्स नॉट अनफॉरगेटेबल, आप नहीं भूलते, लेकिन फिर भी इसमें लिख दिया गया कि भाई फी जहाँ पर फी का बिल भेज दिया गया था, व्हेन देयर वाज अ नीड ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट हैज बीन मेड एंड द रिवाइज बिल हैज बीन सेंड। और इसमें बेसिकली है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है शुड नॉट बी अर्लियर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अप्रूव हुए हैं जिस डेट को, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है। और इसमें एक पॉइंट आप इसमें नहीं है, आप ऐड कर भी सकते हैं कि जो नेम ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर हैज़ बीन मेंशन्ड, और नोटिस ऑफ एजीएम हैज़ बीन रिसीव्ड एंड नोटेड फॉर अटेंडेंस, और सीसीजी की अगर रिक्वायरमेंट है लिस्टेड है तो वो उसको उसकी कंप्लायंस देख ली गई थी। दिस ऑडिट मैनुअल इज अबाउट ऑडिट प्रैक्टिस मैनुअल, दिस डज नॉट कवर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। जी देख लेंगे उसको कल हमारी मीटिंग हो रही है तो वी विल लुक इनटू इट। अच्छा जी, देन नेक्स्ट चैप्टर जो है इस अबाउट सबसिक्वेंट रिव्यू चेकलिस्ट। बेसिकली ये एक इसका जो स्टैंडर्ड्स है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, जिस तरीके से शहाब साहब कह रहे थे कि गोइंग कंसर्न का आपने जो है वो दिया नहीं गया इसमें ऑडिट प्रैक्टिस मैनुअल में। देखें, ऑडिट प्रैक्टिस मैनुअल इज़ फॉर गाइडेंस, अगर ऑलरेडी गाइडेंस दे दी गई है ISA 570 में कॉम्प्रिहेंसिवली अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स कि आपको क्या वर्डिंग इस्तेमाल करनी, इवन वर्डिंग तक उसमें ड्राफ्ट करके दे दी गई है विच यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, तो वो जब दे दी गई तो देन देर इज नो नीड टू रिपीट ऑल दीज थिंग्स इन द ऑडिट प्रैक्टिस मैनुअल। हैविंग सेड दिस थिंग वी लुक इन टू इट शाह साहब, जहाँ जहाँ जरूरत महसूस होगी, जहाँ हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड जो है इससे ज़्यादा तो हम ज़ाहिर गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर